केपीसीएल बरांच कोयला खदान के प्रकल्प ग्रस्त कामगारों के प्रलंबित प्रश्न हल करने विषय संदर्भ में जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। इससे आगे बैठक में केपीसीएल के अधिकारियों की अनुपस्थिति रही तो खदान का काम बंद करेंगे, ऐसा इशारा इस समय पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने दिया। जिलाधिकारी चंद्रपुर ने बरांच स्थित कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित प्रकल्प ग्रस्त व कामगारों के प्रलंबित प्रश्नों का निवारण करने बुलवाए जायजा बैठक को केपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने अनुपस्थिति दर्शाकर अपने मनमानी प्रवृत्ति का परिचय दिया। प्रकल्प ग्रस्तों के प्रश्नों को हल न करते जिला प्रशासन ने कंपनी को अनुमति दी। इस पर संतप्त भावना पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने व्यक्त की है। केपीसीएल के अधिकारियों ने इससे आगे बैठक में आने टाल मटोल करने पर खदान का उत्खनन बंद करेंगे, ऐसा इशारा बैठक दौरान श्री अहिर ने दिया। जिलाधिकारियों ने पूर्व सूचना के मुताबिक 15 मार्च को कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रकल्प ग्रस्त और स्थानीय कामगारों के प्रलंबित समस्या पर हल निकालने संबंध में केपीसीएल के प्रबंधकीय संचालक व संबंधित अन्य अधिकारियों को इस बैठक में उपस्थित रहने की लेखी सूचना दी। फिर भी प्रशासन के इस आदेश को अधिकारियों ने अनदेखी की। प्रकल्प ग्रस्तों के कामगारों के प्रलंबित प्रश्न बकाया वेतन नहीं देने पर भी प्रकल्प ग्रस्तों पर अन्याय कर कर्नाटक सरकार के इस प्रकल्प को कोयला उत्खनन की अनुमति दी जाती है, यह दुर्दैवी बात है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने यह प्रश्न हल करने के लिए 19 मार्च को फिर बैठक रखने की सूचना जिलाधिकारी को की है। इस बैठक में केपीसीएल का अधिकारी वर्ग उपस्थित नहीं हुआ तो प्रकल्प ग्रस्त किसानों के व कामगारों के हित के लिए प्रशासन ने अनुमति रद्द करने का साहस दिखाए। अपने हक के लिए प्रकल्प ग्रस्त व कामगार आगे की लड़ाई के लिए सज्ज रहेंगे और खदान का उत्खनन बंद करेंगे, ऐसा इशारा हंसराज अहिर ने इस बैठक की पार्श्वभूमि पर दिया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में भद्रावती पंचायत समिति के सभापति प्रवीण ठेंगने, नरेंद्र जीतोड़े, संजय ढाकने, नगर सेवक प्रशांत डाकरे व प्रकल्प ग्रस्त बांधव उपस्थित थे। मौका सा जी माहिर आहे केपीसीएलची त्या संदर्भात बैठकीत आज केपीसीएलचे MD येणार होते आणि त्याच्यासोबत त्याच्या कंपनीचे जे मायनिंग करणारी कंपनी आहे यांनाही कलेक्टर साहेबांनी बोलवलेलं होतं। दोघांची कलेक्टरला सूचना अशी आहे, माझी विनंती होती की कोरोनामुळं आम्ही लॉकडाऊन असेल म्हणून आम्ही आलो नाही, आम्ही ही बैठक पुढे ढकलून घेतली, परंतु आज बैठकी पुन्हा येईल आणि स्थानिक लोकांवर अन्याय करताना जिल्हा प्रशासनाचा अपमान केलेला आहे। त्यांची हिंमत इतकी वाढलेली आहे की कर्नाटकमध्ये चालणारा प्लांट पॉवर प्लांट त्याच्याकरता महाराष्ट्रातून कोळसा मिळतो आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने किंवा महाराष्ट्र जिल्ह्यातील प्रशासनाने त्यांना आवश्यक मान्यता देऊन त्याची हिंमत वाढवली। वास्तविक प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटले नाही, जमिनीचा मोबदला अजून पूर्ण मिळाला नाही, जो मधल्या काळात 16 कबूल केल्याप्रमाणे 16 पहिले कबूल केलेला मिळालेला आहे आणि वेजेस दिलेले नाही, एरिया दिलेला नाही, नियुक्तीपत्र दिलेलं नाही, ग्रामपंचायत थकीत बाकी दिलेले नाही, फॉरेस्टचा पण 1.5 कोटी रुपये पूर्ण आहे तो पण दिला नाही, जुना पेंडिंग बिल आहे विजेचं ते पण दिलेलं नाही। अशा स्थितीमध्ये त्यांनी माईन चालू करण्याकरता परवानगी मागे त्यावर जिल्हा प्रशासन दिलेली असल्यामुळं त्यांनी येण्याचं टाळलं असं माझं मत आहे। म्हणून आता कलेक्टर साहेबांनी म्हटलं आहे की तुम्ही ताबडतोब 4 दिवसात बैठक लावा, ते आलेच पाहिजे, ते आले नाही तर मग त्यांची मान्यता रद्द। आमच्या समक्ष आज प्रश्न असा आहे की जे प्रकल्पग्रस्त मेन मालक आहेत जमिनी गेलेल्या आहेत अशा लोकांच्या पोटावर लाथ मारून जर कर्नाटक सरकारला जर भारत सरकार मदत करत असेल तर निषेध करावा तितका कमी आहे। आज
मी विनंती केलेली आहे, जर शुक्रवारला बैठक होत नसेल आणि ते आले नाही तर तो मायनिंग बंद करण्याकरता पूर्ण गावकरी मंडळी समोर येतील, त्यांना पूर्ण भारतीय जनता पक्ष म्हणून आम्ही पण मदत करू आणि पूर्ण तालुक्यातील मंडळी त्यांच्या मदतीला बाहेर काढू असा आमचा प्रयत्न.